हेलो दोस्तों, आज मेरे पास एक रेगुलेटर है जो कि फ़ैन का रेगुलेटर है। वो बिगड़ चुका है, अंदर से पूरा जाम हो चुका है, घूम नहीं रहा है। तो देखते हैं उसे खोल के जाम क्यों हुआ है, किसकी वजह से जाम हुआ है और कैसे खुलता है, ये भी आपको पता चल जाएगा। पहले देख लेते हैं पीछे की तरफ कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। वो पीछे की तरफ देखो, आप देख सकते हो जैसे से लिखा हुआ है 240 वॉट का है ये, 50 हर्ट्ज़ का, और लिखा हुआ है दोस्तों मेड इन इंडिया। और ऊपर की तरफ वायरिंग डायग्राम है, कैसे आप उसे पैन के साथ लगा सकते हो। चलिए तो दोस्तों इसे खोलते हैं और देखते हैं। खोलने के लिए सबसे पहले आपको दोस्तों ये जो ऊपर का जो टॉप है उसको आपको निकालना होगा इस तरह से, और अंदर की तरफ जो एक स्क्रू जैसा है, नट जैसा है, उसको आप घुमा के निकालो। इस तरह से ही निकल जाएगा। अंदर के तरफ दोस्तों ये लॉक दिए गए हैं, लॉक्स को आप बॉडी प्रेस करके उसको चारों तरफ से निकाल सकते हैं। इसमें दिए गए हैं ग्रूव्स जिसके अंदर लॉक्स आपके फिट हो जाएंगे। ये दिए गए हैं ग्रूव्स में आपके जो लॉक्स थे इसके अंदर वो अच्छे से फिट हो जाएंगे। और कुछ इस तरह से रेगुलेटर आपका अंदर से होगा, पूरा मैकेनिज्म है इलेक्ट्रॉनिक की। चलिए तो इसका ये फ्रंट मैकेनिज्म खोल के देखते हैं कि ये जाम क्यों हो गया है। दोस्तों इसे खोलने के लिए आपको ये लॉक इस तरह से ऊपर करने होंगे। चारों लोग को ऊपर करने के बाद दोस्तों आप इस तरह से इसको खींच सकते हो, और अंदर की तरफ से दोस्तों सर्किट पूरी की पूरी जल चुकी है, इसकी वजह से जो है जाम हो चुका है, ये घूम नहीं रहा। ये दोस्तों ये है, वो पिघल चुका है प्लास्टिक पूरा, इसकी वजह से ये घूम नहीं रहा है। इसके अंदर जो ये लॉक्स है ये दोस्तों जो आप देख रहे हो,
ये चीज़ है जो अंदर की तरफ ऐसे लगी रहती है, और जैसे ही आप उसको घुमाते हो तो ये एक ग्रूव से शिफ्ट होके दूसरे ग्रूव पर आ जाती है। इसकी वजह से आप उसको घुमाते हो तभी जो टक टक करके आवाज़ आती है वो इसकी वजह से आती है। जैसे आप उसको घुमाओगे तो इधर आके लॉक हो जाएगी। एक्चुअली मैंने अभी जब निकला था ये टूट गया, इस तरह से ये फुल दिखता है। ऐसे घुमाते इस तरफ आ जाएंगे और वो जो स्प्रिंग मैकेनिज्म था इसके ऊपर स्प्रिंग लगी रहती है, तो ये ऊपर नीचे ऐसे प्रेस होके शिफ्ट होगा। लेकिन ये पूरा पिघल चुका है प्लास्टिक, इसलिए वो जो मैकेनिज्म था वो वर्क नहीं कर रहा था और रेगुलेटर जो है ख़राब हो चुका है। दोस्तों अंदर की तरफ ये जल चुका है। और ये सब जो पॉइंट ये जो दिया गया है दोस्तों, ये सेंटर में जो राउंड आपको दिख रहा है वो उसका मेन लाइन है। ये जो सेंटर में है वो है मेन लाइन, और ये बाकी जब जो साइड पे है ये 1 2 3 4 5 ये अपने फैन की जो स्पीड होती है 1 2 3 4 5 वो पांचों पांच स्पीड है। ये है 0 मीन्स न्यूट्रल, और ये भी है 0 पे मीन्स ये दोनों पे दोस्तों आपका जो है वो फैन ऑन नहीं होगा, ऑफ ही रहेगा। जब ये अभी इधर करोगे तो 1 2 3 4 5 आपकी जो स्पीड्स होती है फैन की वो इससे कंट्रोल होती है, और ये मैकेनिज्म पूरा ही पूरा इलेक्ट्रॉनिक है। और अच्छी बात तो ये है दोस्तों कि ये जो है वो मेड इन इंडिया है। थम्स अप फॉर इंडिया। गुड वर्क।